सुप्रभात बच्चों, आज की कक्षा में हम हिंदी व्याकरण में पार्ट 6 लिंक करने जा रहे हैं। ठीक है, अच्छे से समझना है और आपको अपनी बुक में से देख के उसको लर्न भी करना और फील भी करना है। लिंग, लिंग किसे कहते हैं? जिन शब्दों से पुरुष या स्त्री जाति के होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग क्या होता है बेटा? जिन शब्दों से हमें पुरुष जाति और स्त्री जाति के होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। ओके, लिंग के दो भेद हैं। लिंग के कितने भेद हैं? लिंग के दो भेद हैं हमारे, नंबर एक पुलिंग और नंबर दो स्त्रीलिंग। पुलिंग में हमें जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो वो होता है पुलिंग। पुलिंग क्या होता है? जिससे पुरुष जाति का बोध हो वो होता है पुलिंग। और स्त्रीलिंग, जिस शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो वो शब्द होते हैं स्त्रीलिंग। ठीक है, पुलिंग जिससे पुरुष जाति का बोध हो और स्त्रीलिंग जिसे स्त्री जाति का बोध हो। ओके, जैसे पुलिंग में आते हैं बेटा, पुलिंग में जो जेंट्स होते हैं जैसे लड़का, पिता, बकरा, हाथी, ये सब जो पुलिंग है पुरुष जाति है वो हमारी पुलिंग में आती है, और जो स्त्री जाति है जैसे लड़की, माता, हथिनी, बकरी, ये आते हैं हमारे स्त्री जाति में। ओके, जैसे कुछ यहाँ पे लिखे हुए हैं पुलिंग और स्त्रीलिंग, मैं आपको ये करवाऊंगी और इनको देख के आपको लर्न करना है। लड़का, लड़की। लड़का का क्या आएगा? स्त्रीलिंग, लड़की। मामा, मामा का स्त्रीलिंग है मामी, पता ना आपको। शेर, शेरनी। बकरा, बकरी। चूहा, चूहिया। बैल, गाय। नौकर, नौकरानी। नौकर का नौकरी नहीं करोगे, नौकर का नौकरानी आएगा। क्या आएगा नौकर का? नौकरानी। धोबी, धोबिन। धोबी का क्या आएगा? धोबिन। और आपको ये देखना है धोबी के अंदर बड़ी की मात्रा और धोबिन में छोटी की मात्रा आएगी, इसको याद करते वक्त ध्यान रखना है, धोबिन में छोटी की मात्रा आएगी। ओके, हाथी, हथिनी। हाथी क्या? हथिनी। हथिनी में भी ऐसे ही आएगा, हाथी में बड़ी की मात्रा आती है और हथिनी में छोटी की मात्रा आती है थे के अंदर। ओके, इसको अच्छे से ध्यान रखना है। कई बच्चे क्या करते हैं, हथिनी में भी बड़ी की मात्रा लगा देते हैं, लेकिन वो आपको नहीं लगानी है। पिता, पिता का माता। पिता का क्या आएगा? माता। औरत, सॉरी आदमी, आदमी का औरत। आदमी का क्या आएगा? औरत। अध्यापक, अध्यापिका। जैसे आपकी स्कूल में भी होते हैं ना अध्यापक, जो टीचर सर होते हैं उसको बोलते हैं अध्यापक, और जो आपकी मैम है उसको बोलते हैं अध्यापिका। ये जो मैंने लिख रखे हैं यहाँ पे, आप अपनी फेयर नोटबुक में लिखोगे ग्रामर वाली कॉपी में इसको, पुलिंग और स्त्रीलिंग, लिंग को। ठीक है, और याद करने हैं ये। ओके, और आपकी जो बुक में एक्सरसाइज है वो आप अपने आप फील करोगे। ओके, थैंक्स।